रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी नक्सल अभियान की से नक्सली संगठन बौखलाए हैं। कई जिलों में बड़े हमले की तैयारी में है नक्सली संगठन। हमले के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय का अलर्ट, सभी जिले के एसीपी को अलर्ट रहने का निर्देश। पुलिस कैंप के दौरान हो सकता है नक्सली अटैक। आपको बता दें कि पुलिस ने हाल ही में बूढ़ा पहाड़, सारंडा और पारसनाथ में नक्सलियों को खदेड़कर अपना कैंप बनाया है, जिसके बाद से ही ये नक्सली बौखलाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, सबसे बड़ी खबर, एंटी नक्सल अभियान से नक्सली संगठन बौखलाए हुए हैं। कई जिलों में बड़े हमले की तैयारी में है नक्सली संगठन। हमले के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय का अलर्ट, सभी जिले के एसीपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस कैंप के दौरान नक्सली अटैक हो सकता है। आपको बता दें कि पुलिस ने हाल ही में बूढ़ा पहाड़, सारंडा और पारसनाथ में नक्सलियों को खदेड़कर अपना कैंप बनाया है, और जिसके बाद से ही ये नक्सली बौखलाए हुए हैं। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सूरज, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए एंटी नक्सल अभियान से जो नक्सली संगठन है वो बौखलाए हुए हैं, और कई जिलों में बड़े हमले की तैयारी की भी जानकारी मिल रही है। क्या है ज्यादा जानकारी? ये कहा गया कि कभी भी नक्सली हमला हो सकता है, पुलिस पिकेट हो या फिर पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाई जाती है, उनके गश्ती दल हो या फिर हाट बाजार हो, इन तमाम जगहों में नक्सली कभी भी अटैक कर सकती है। इसी मामले को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी को अलर्ट किया है, क्योंकि अभी आपने देखा कि हाल के दिनों में जो पुलिस को सफलता मिली है, चाहे वो सारंडा की जंगल हो, बूढ़ा पहाड़ हो या फिर पारसनाथ हो, इन तमाम जगहों में पुलिस ने नक्सलियों को खदेड़ के अपना कैंप यहां पर बनाया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं नक्सली पूरी तरह से टूट चुकी है, और इसका बदला लेने के लिए वो कभी भी इस तरह की हमला वो कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर झारखंड के तमाम जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया गया है, और जो गश्ती दल है उस पे कहीं ना कहीं एहतियात बरतने को कहा गया है, कि बहुत हमेशा ये देखा गया कि नक्सली जब पुलिस को अपना निशाना बनाती है तो अंबूस करके वो फायरिंग करते हैं। उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि लैंड माइन विस्फोट करके पुलिस सपे मंसूबे को कामयाब करते हैं, तो ऐसे जगहों में पुलिस को खास तौर पर एहतियात बरतने को कहा गया है। और ये अब दिख रहा है कि इस तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से नक्सली बौखलाए हुए हैं, उस पे और क्या कुछ पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश मिलती है जिले के एसपी को। शिवानी, बिल्कुल सूरज, देखिए कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन जानना ये भी चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां अटैक को लेकर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है। चूंकि देखिए जानकारी ये भी है कि सभी जिले के जो एसपी हैं उनको अलर्ट रहने का निर्देश पहले ही दे दिया गया है। हाल के दिनों में जो लगातार अभी झारखंड पुलिस को सफलता मिली है, उससे कहीं ना कहीं नक्सली बौखलाए हुए हैं, और वो कभी भी इस तरह के हमला को अंजाम दे सकते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इससे पहले भी नक्सलियों ने कई बार लैंड माइन विस्फोट करके पुलिस को क्षति पहुंचाई है, कई जवान हमारे शहीद भी हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, और पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाई है, जो सफलता मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं नक्सली पूरी तरह से टूट चुकी है, और ऐसी स्थिति में वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो घटनाओं की जो सूचना मिली है खुफिया विभाग को, झारखंड पुलिस मुख्यालय को, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए झारखंड पुलिस ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। अब पुलिस के जो जिला के जो एसपी हैं उनके तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जाती है नक्सलियों के खिलाफ और इस तरह के मंसूबे को नाकाम करने के लिए, ये फिलहाल हमें देखना होगा। शिवानी, कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और लगातार पुलिस की तरफ से बूढ़ा पहाड़ की अगर बात की जाए तो वहां पर हाल ही के दिनों में कई आईईडी बरामद किया गया है, और फिर सारंडा और पारसनाथ में भी नक्सलियों को खदेड़कर अपना कैंप वहां पर पुलिस ने बनाया है। देखा कि कल भी भारी मात्रा में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। आपने देखा कि कल भी भारी संख्या में हथियारों का जखीरा बूढ़ा पहाड़ पे पुलिस को मिली है। इससे पहले सारंडा के जंगलों की बात करें, वहां भी सफलता मिली है। इसके अलावा हम बात करें पारसनाथ, एक नक्सलियों का मेन गढ़ माना जाता था पारसनाथ, वहां भी पुलिस ने अपने अभियान चलाकर नक्सलियों का सफाया किया है, और वहां पर पुलिस ने अपना कैंप भी बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। हालांकि देखिए, उनकी सफलता से कहीं ना कहीं नक्सली तो बिल्कुल पूरी तरह से बौखला गए, तो कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं।
शिवानी। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।